इनके दिमाग में हजारों साल से यह भर दिया गया है कि भाई अपने भगवान का नाम लेकर के एक पत्थर भी अगर मारोगे ना तो वो एटम बम से ज्यादा प्रभावी होता है। कोई इलाज नहीं है ना, इलाज क्या है? इलाज एक ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। दो डॉक्टर भेजिए और 200 पुलिस वालों को भेजिए। जबरदस्ती फेवर मत करिए सर। थूकना है तो अपने मुंह पे थूकिए, पत्थर मारना है तो अपने सर पे पत्थर मारिए। आप थूकना है अपने मुंह पे थूकिए, आपको पत्थर मारना है तो अपने सर पे मारिए। एक सेकंड, एक मिनट, पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मत मारिए। ऑडियो नीचे। मैं भी समाज से आता हूँ और ईमानदारी से मुझे कहते हुए कोई शक नहीं है कि आज मैं भी शर्मिंदा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ। ईरान हो, इराक हो, अमेरिका हो, यूएस हो, ये थूकने वाली घटना कहीं नहीं आई है। एक सेकंड, एक सेकंड, इवन पाकिस्तान में भी थूकने वाली घटना नहीं आई है। यहाँ दो चार लोग ऐसे बैठे हैं जो ठेकेदार बने हुए हैं। मैं इसीलिए बोलता हूँ 1400 साल तक जो उनके बिहेवियर में घुस गया है ना, उसको निकालने के लिए दो पुलिस वालों के, एक सेकंड, दो डॉक्टर के साथ 200 पुलिस वालों को भेजिए। आप लखनऊ के जो है नवाब बने हो कि नीली के ऊपर से तागा गुजर गया तो आपके जज्बात का ठेका लेके रखा है क्या? थूकने वालों के जज्बात का ठेका लेके रखा है, पत्थर मारने वालों के जज्बात का ठेका लेके रखा है 130 करोड़ भारतीयों ने। नो, ऑडियो नीचे, ऑडियो नीचे, प्लीज प्लीज प्लीज। अच्छा, जो थूका जाता राहुल गांधी, प्यार प्यार राहुल गांधी कर रहे हैं, अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया इन्होंने। आप नफरत की बात कर रहे हैं, जो लोग थूक रहे हैं बड़े, वो प्यार की फीलिंग है क्या? उनके दिल में प्यार आ जाता है तो इसलिए थूकते हैं। एके मिश्रा, एक सेकंड, एक सेकंड, नहीं नहीं, उनके दिल में तो प्यार उमड़ रहा है, प्यार जताने के लिए थूक रहे हैं, इस्तकबाल करने के लिए थूक रहे हैं कि हमारे सभ्यता हमारे कल्चर में इस्तकबाल थूक करके किया जाता है। आपको बता दें इस वक्त जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ नोएडा से हमारे साथ एके मिश्रा जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो सम्मान के हकदार हैं, जिन्हें सम्मान मिलना चाहिए, जिनके ऊपर फूलों की बारिश होनी चाहिए, उनके ऊपर एक के बाद एक हमले हो रहे हैं। ये साजिश है या फिर बीमार मानसिकता? एके मिश्रा, इस हालात के बीच ये वो डॉक्टर हैं जिनको सम्मान देने की बात हो रही है, उनके मुंह पर थूका जा रहा है, ऐसे लड़ेंगे लड़ाई? हम ऐसे जीतेंगे लड़ाई? चौरा जी, मैं समझता हूं कि चलिए आपका जो प्रश्न है और मैं जो भी इंगित करूंगा वो ऐसी मानसिकता के लोगों के लिए है, एक समुदाय विशेष के खिलाफ ना देखा जाए। देखिए क्रोनोलॉजी देखिए साहब, ये 1400 साल पुरानी आदत है। 1400 साल पहले एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जहां पे ये कॉन्सेप्ट दिया गया, ये सिद्धांत दिया गया कि तुम्हारे सामने यमराज भी खड़ा हो, मौत भी खड़ा हो, तो उसका इलाज एक ही है कि पत्थर मार दो। आपको कोरोना की प्रॉब्लम है तो पत्थर मारो, कोरोना भाग जाएगा। मैं तो ये भी देख रहा था एक डॉक्यूमेंट्री में कि एक गांव में कहीं लड़ाई हो रही थी, टैंक घुसा, वहां पे भी पत्थर मार दिया। तो 1400 साल पुरानी जहनियत देखिए आप, थूकना, पत्थर मारना, अभी जरा सा बुखार हो जाता है तो अपने आप हॉस्पिटल में लाइन लगा करके खड़े रहते हैं ये लोग। किसी भी हॉस्पिटल में आप चले जाइए, बोल रहे हैं कि अज्ञानी है, इनको शिक्षा नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। जहां फ्री में राशन बट रहा है वहां लोग लाइन लगा के खड़े हुए हैं कि पहले हम लाइन में लग जाए, हमें राशन मिल जाए। वहां के लिए ज्ञान है और डॉक्टर जाके अगर कुछ समझा रहे हैं तो पत्थर मार रहे हैं। इनके दिमाग में हजारों साल से यह भर दिया गया है कि भाई अपने भगवान का नाम लेकर के एक पत्थर भी अगर मारोगे ना तो वो एटम बम से ज्यादा प्रभावी होता है। इनके दिमाग में यह है कि पूरी दुनिया जीतनी है तो पत्थर मारो, पत्थर मारो। कोरोना को जीतना है, कोरोना को हराना है तो पत्थर मारो। तो 14 साल की आदतें कहां से बदल जाएंगी? यहां पे प्रशासन की गलती यह है कि प्रशासन ऐसे इलाकों को चिन्हित करे और चिन्हित करने के साथ वहां केवल डॉक्टर को ना भेजे। डॉक्टर अगर चार जाते हैं तो वहां पे पुलिस प्रशासन लाठी वगैरह लेके अपने हथियार लेकर के 40 डॉक्टरों को भेजना चाहिए, तब जाके इसका इलाज होगा। ये खुद मरेंगे और हजारों लोगों को, पूरे देश को लेकर के ये डूबेंगे। यहाँ पे बीमार मानसिकता का इलाज क्या है फिर? कोई इलाज नहीं है ना, इलाज क्या है? इलाज एक ही है, मैं आपको बता रहा हूँ। दो डॉक्टर भेजिए और 200 पुलिस वालों को भेजिए, क्योंकि वो तो ये मान के पत्थर मारते हैं कि पत्थर मारो टैंक पे, एटम बम की तरह वो पत्थर काम करेगा। अपने भगवान को याद कर लो, पत्थर मारो तो आसमान में भी छेद हो जाएगा। शराब इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज ये है दो डॉक्टर के पीछे 200 पुलिस वालों को भेजो। ओके बारी साहब, क्विक रिएक्शन फिर शदाब भाई आपके पास आ रहा हूं। सिंह साहब, सिंह साहब से मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि वो जो है जाकर के गौमूत्र पिए
और जो है गोबर का लीप लगाए तो उनकी सारी प्रॉब्लम। अरे बारी साहब ये कहाँ गौमूत्र के बात आ रही है? दे दीजिए मुझे एक सेकंड मुझे जवाब देने दीजिए। देखिए कोई गौमूत्र भी है, अरे आप एक काम करो ना, जो पत्थर मार रहे उनको बोलो अपने सर पे पत्थर मारे, डॉक्टरों को क्यों पत्थर मार रहे हैं? आपको गौमूत्र पीना है, किसी को खुद पियो, अरे साहब प्लीज थोड़ी करना है, अपने सर पे पत्थर मारो, डॉक्टरों को सर पे क्यों मार रहे हो पत्थर? एक सेकंड मारो अपने सर पे पत्थर। एक सेकंड अरे अपने सर पे पत्थर मारो साहब, एक सेकंड डॉक्टरों को क्यों पत्थर मार रहे हो? एक सेकंड मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ, सुनिए ना साहब, नफरत का माहौल पैदा कर रहे हैं, सही बात बोल दो तो नफरत का माहौल। आप डॉक्टर अपनी जान तक खेल के बचाने जा रहे हैं, आप उनको थूक रहे हो, ये पद्म भूषण देने वाला काम है, आपको अवार्ड मिलना चाहिए। नर्सों के सामने आप कैसी हरकत कर रहे हो? एक दिन जाके हॉस्पिटल में आप काम कर लो, आपको पता चल जाएगा। भेजो अपनी, अरे अपने घर की महिलाओं को भेजिए, बहन बेटियों को भेजिए और वही हरकत की जाए तो आपको पता चलेगा, आप तो तलवार उठा लेंगे। एक सेकेंड एक मिनट प्लीज जबरदस्ती फेवर मत करिए सर, थूकना है तो अपने मुंह पे थूकिए, पत्थर मारना है तो अपने सर पे पत्थर मारिए, आप थूकना है अपने मुंह पे थूकिए, आपको पत्थर मारना है तो अपने सर पे मारिए। एक सेकंड एक मिनट और पुलिस वालों के ऊपर पत्थर मत मारिए, ऑडियो नीचे करिए और पुलिस वालों के ऊपर एनजीओ के। एक सेकंड ऑडियो नीचे, एक सेकंड एके मिश्रा प्लीज कि जो हुआ वो बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि आज इतना रिस्क लेके लोग काम कर रहे हैं, उनको पूरी तरह से मदद करने का काम करना चाहिए। ये उनके खिलाफ कुछ करना, उनके ऊपर पत्थर फेंकना, उनके ऊपर थुकिया डालना, ये बिल्कुल गलत बात, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा। एक सेकंड पहली बात तो जो मिश्रा जी ने कहा, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनकी बात से भी आहत हूं कि अगर वो 1400 साल पुरानी सभ्यता को या मेरे मजहब को गाली देते हैं तो इस पे मुझे भी आपत्ति होती है। ये बिल्कुल 1400 साल पुराना मामला नहीं है, कुछ लोग गलत हैं, उससे किसी मजहब को नहीं तोला जाता। मेरे सेंटेंस को ध्यान दीजिए, मैंने कुछ लोगों के लिए शब्द पहले बोला था सर, ऐसी मानसिकता उनके लिए मैंने इंगित किया था। मिश्रा जी बिल्कुल 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 मिश्रा जी मेरी बात पूरी होने दीजिए प्लीज, मेरा निवेदन। अभी एनएसए लगने की बात हो रही है तो आप कहेंगे कि देखिए एक आतंकवादी को बचाने के लिए पूरी की पूरी भीड़ निकल पड़ती है। एक सेकंड बारी साहब मुझे एक बात बताइए, बिल्कुल मिश्रा जी ये वोट बैंक की राजनीति है, एक सेकंड ये वोट बैंक घटिया राजनीति, वोट बैंक तो बचेगा कहाँ? आप और हम बचेंगे तभी तो वोट बैंक बचेगा। और एनआरसी से उसके ऊपर भी ये कुछ चीज है सर, ये केवल वोट बैंक तक होती तो बात दूसरी है। एक सेकंड विरोध करने के तरीके होते हैं, डॉक्टर जा रहे हैं आपको इलाज नहीं करवाना है तो आप गो बैक के नारे लगवाइए, लगा सकते हैं, आप पत्थर मार रहे हैं, आप थूक रहे हैं उनके मुंह पे। एक सेकंड ये कल्चर, ये सभ्यता कहां से आया? एक के मिश्रा एक सेकंड सोच कहां से? एक सेकंड प्लीज, आज मैं शर्मिंदा हूं साहब। एक सेकंड मैं भी बात को संयम के साथ और ईमानदारी से मुझे कहते हुए कोई शक नहीं है, आज मैं भी शर्मिंदा हूं कि मैं मुसलमान हूं। ईरान हो, इराक हो, अमेरिका हो, मैं इसी पर आ रहा हूं, ये थूकने वाली घटना कहीं नहीं आई। एक सेकंड इवन पाकिस्तान में भी थूकने वाली घटना नहीं आई है। यहाँ दो चार लोग ऐसे बैठे हैं जो ठेकेदार बने हुए हैं, मैं इसीलिए बोलता हूँ 1400 साल तक जो उनके बिहेवियर में घुस गया है ना, उसको निकालने के लिए दो पुलिस वालों के, दो डॉक्टर के साथ 200 पुलिस वालों को भेजिए। एक सेकंड मुझे एक सवाल का जवाब दीजिएगा बारी साहब, हमें इसे हिंदू मुसलमान से हट के सोचना पड़ेगा, पूरे देश के अंदर से हटकर पूरे विश्व में ये बीमारी है, कोई एक ऐसा विश्व के अंदर बताइए कि साहब जहां पर इस तरह का जानवर बन होता हो, एक देश में ऐसा कोई एग्जांपल नहीं है साहब। एक सेकंड प्लीज, अमेरिका में हजारों मर रहे हैं, ऐसी घटना नहीं हो रही है। एक सेकंड प्लीज कोई एक ऐसा एग्जांपल है जहां पर डॉक्टरों के ऊपर थूका जाता हो, उनके साथ अश्लील हरकतें की जाती हो, जहां उनके ऊपर पत्थर मार जाते हो? एक देश एक सेकंड
आप लोग विश्वास नहीं जीत पाए, विश्वास से भरपूर है। एक सेकंड, पत्थर मारने वाले विश्वास भरपूर कूट कूट उनके अंदर भरा एक है। एक के मिश्रा, एक सेकंड शताब शम्स, आप लोग विश्वास एक सेकंड, कोई जज्बात को ठेस नहीं पहुंचा रहा। मैं सिर्फ आपसे कोई हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं कर रहा। अरे ठूक करके आप किस किस चीज को ठेस पहुंचा रहे हो? आप लखनऊ के जो है नवाब बने हो कि नीली के ऊपर से तांगा गुजर गया तो आपके जज्बात का ठेका लेके रखा है क्या? ठूकने वालों के जज्बात का ठेका लेके रखा है, पत्थर मारने वालों के जज्बात का ठेका लेके रखा है 130 करोड़ भारतीयों ने। नो, ऑडियो नीचे, ऑडियो नीचे, प्लीज प्लीज प्लीज। ये मौलाना मुसलमानों का नुकसान कर रहे हैं। एक उदाहरण बता दीजिए। एक सेकंड शनाब भाई, मुझे एक बात बताइए, क्यों अब तक जो है आप लोगों के दिल में विश्वास पैदा नहीं कर पाए? बारी साहब, ईमानदारी से सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने कौम का जिक्र किया, मैंने इसलिए यह बयान सुनाया। मैं नहीं जाना चाहता था, एक कलाकार की कोई कौम नहीं होती है, पहली बात, एक अभिनेता की कोई कौम नहीं होती, लेकिन जो शख्स समझा रहा है, ये समझ गए ना कौन था, किसका बयान सुनाया मैंने आपको? नहीं, मैं जानता हूँ। हाँ, तो आप इसे कौम के नजरिए से क्यों देख रहे हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। नहीं, मैं देखिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप इसे कौम के नजरिए से देखिए, बस मैं कौम के नजरिए से देख ही नहीं रहा हूँ। मैं उन लोगों की मानसिकता की बात कर रहा हूँ जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। प्रशासन उन्हें चिन्हित करके अलर्ट करे, उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, लेकिन जो लोग समाज में इस बहाने कोरोना के बहाने नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं उनको भी चिन्हित किया जाना चाहिए। कौन कर रहा है? क्योंकि कोरोना से ज्यादा कौन कर रहा है? कोरोना बहुत सारे ऐसे लोग हैं। अच्छा, जो थूका जाता राहुल गांधी, प्यार प्यार राहुल गांधी कर रहे हैं, अभी तक एक स्टेटमेंट नहीं दिया इन्होंने। आप नफरत की बात कर रहे हैं, जो लोग थूक रहे हैं बड़े, वो प्यार की फीलिंग है क्या उनके उनके दिल में? प्यार आ जाता है तो इसलिए थूकते हैं। एक के मिश्रा, एक सेकंड, एक सेकंड, आप तर्कों से बात करिए। एक सेकंड, प्रेशर बना रहे आप ही के पास आऊंगा। एक सेकंड, मैं आप ही के पास आऊंगा इसके बाद। एक सेकंड, एक सेकंड, बारी साहब, कौन फैला रहा है नफरत? नफरत कौन फैला रहा है? यही मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए, ये देखना चाहिए कि कौन लोग हैं। अरे बताइए ना सर, मैं वही तो पूछ रहा हूँ, जो लोग ये जांच एजेंसी का काम है। अरे सर सुनिए ना, जो लोग उनके थूक रहे हैं डॉक्टरों के, अरे सर वो ही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे, जो लोग डॉक्टरों के मुंह पे थूक रहे हैं उसके पीछे भी यही लॉजिक है आपका? नहीं, उनके दिल में तो प्यार उमड़ रहा है, प्यार जताने के लिए थूक रहे हैं, इस्तकबाल करने के लिए थूक रहे हैं कि हमारे सभ्यता हमारे कल्चर में इस्तकबाल थूक करके किया जाता है। अरे पहचान रहा हूँ मैं साहब, पहचान रहा हूँ। अरे आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फांसी क्या, दुनिया देख रही है। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, इस वक्त लोग जो है अपनी सब्जियां बेच रहे हैं, उनका आधार चेक करने वाले ऐसे ही लोग हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, उनके पीछे ढाल लेके खड़े होने वाले ये लोग बैठे हैं जो पत्रकार बोलते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, उनके बचाव में ये खड़े हो जाते हैं। एक सेकंड हुसैन साहब, हम सम्मान देने की बात कर रहे हैं, मुंह पर थूका जा रहा है। सर इस बीमार मानसिकता का इलाज क्या है? अगर यहाँ पर कार्रवाई की जाती है तो फिर ये कहा जाता है कि धर्म के आधार पर कार्रवाई हो रही है। हुसैन साहब पहले आप, फिर शताब भाई आपके पास आऊंगा। ये इसमें उसमें कार्रवाई होना बिल्कुल जरूरी है, और इसका मतलब धर्म के वजह से हो रहा है ये मानना मैं बिल्कुल मानता नहीं। मैं एक कहूंगा, पूरी बस्ती अगर इसके लिए तैयार नहीं, एक मिनट, पूरी बस्ती अगर इसके लिए तैयार नहीं तो पूरी बस्ती कॉर्डन अप करनी चाहिए और उनको कहना आपको जो करना है वो करिए, आपको इलाज हम नहीं करेंगे, जाओ आप क्या करना है करो, जब मरेंगे तब समझ में आएगा उनके कि ये गलत बात है। यही चीज, यही चीज सर, आप अपने अध्यक्ष से कहवा दीजिए, सारे पार्टियों के नेता यही बोले। हुसैन साहब, आज भी आपके एक बड़े नेता पूर्व अध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ये नहीं बोला, मैं से क्या समझू? ये देखिए, ये सही बात नहीं है, हमारे लोग आज पूरी तरह से ये
कहा ना कहा ये सारा मामला संपना खत्म होना चाहिए। राहुल जी भी ये बोले कि सरकार को पूरी तरह से हम मदद करेंगे। क्यों नहीं बोला? यहाँ हम राजनीति करना नहीं चाहते। क्यों नहीं बोला? जो डॉक्टर के साथ कर रहे हैं वो गलत हो रहा है। होने दो, इसके खिलाफ अगर कोई करता है तो कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारा पूरी तरह से कहना है। ये आप जो बोल रहे हैं कि कोई इसके ऊपर कोई बोला नहीं, ये सही बात नहीं। इसके ऊपर तबलीग का मामला जब आया तब भी हमारे लोग ये बोले हैं कि ये बात बिल्कुल गलत हो गई। सर मेरी रिक्वेस्ट है, हो सकता है, मदद करने हो सकता है आपकी आपकी आपके अध्यक्ष का आपका कांग्रेस का प्रभाव अच्छा पड़े, एक ट्वीट करवा दीजिए, मेरी ये रिक्वेस्ट है। आप ट्वीट करवाइएगा, मैं यहाँ बैठकर वो ट्वीट को पढ़ूंगा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने ये कहा। एक सेकंड, एक मिश्रा एक सेकंड।